नाचिन वन मंडल की केलोदार वन बीट में तैनात वन रक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हादसा आधी रात को हुआ। लोगों को इस दुर्घटना के बारे में सुबह ही पता चला। गोहर पुलिस ने वन रक्षक के शव को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया है। मंडी के नाचन वन मंडल की लोधार वनवीट में तैनात वन रक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हादसा गत मध्य रात्रि को हुआ। सुबह लोगों को दुर्घटना का पता चला। वन रक्षक की पहचान हरीश कुमार निवासी नागजला के रूप में हुई है। बताते हैं कि गत दिवस वह गोहर से फोर व्हीकल से अपने सरकारी क्वार्टर आ रहा था। जैसे ही वह केलोधार के समीप चाहल मोड़ पर पहुंचा तो सड़क से फोर व्हीकल सहित करीब 1 किलोमीटर गहरी डांक में लुढ़क गया। इस बीच वन रक्षक का शव करीब 300 मीटर पहले ही शतभिक्षत होकर गिर गया था। घटनास्थल के समीप थरजून गांव के लोगों को घटना का पता सुबह लगा, जब कुछ गांववासियों ने अपने खेतों की ओर रुख किया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। करीब हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी जो प्रधान है ग्राम पंचायत थरजून के, कि एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर मृत पड़ा हुआ है और उसकी जो गाड़ी है वो यहाँ से कोई 1 किलोमीटर नीचे पड़ी हुई है। तुरंत हमारी पुलिस जो थी वो उसने कार्रवाई की और मौके पे पहुंची और हमने उसी टाइम फॉरेंसिक टीम को मंडी से बुला लिया है और हर एक तथ्य पे हम उसकी जो है पुष्टि कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। आज हमें बड़े दुखी हैं हम लोग। हमारा एक साथी हरीश कुमार पत्रकार का अकस्मात वाहन से एक्सीडेंट हुआ है। हमें सुबह ही पता लगा, 9 बजे के करीब फोन आया कि ऐसे ऐसे उसका केवलधार के पास एक्सीडेंट है। तो मौका पे आए थे तो यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये बहुत ही होनहार हमारा फर्स्ट गार्ड था, बहुत और अपने कार्य के प्रति बहुत ही समर्पित था। हमें बहुत दुख है इसके इस दुर्घटना का और इसके परिजनों से हम यही कह सकते हैं कि प्रार्थना करते हैं भगवान से इसकी आत्मा को शांति दे। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमें अत्यंत दुख है इसका। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।